ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सीख द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम 15 मार्च के ईश्वरीय वरदान के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ परमपिता परमात्मा अमृत वेला की महत्वपूर्णता के बारे में हमें बताते हैं और हम कैसे अमृत वेला में उठ करके हम कैसे अपने आप को सोल कॉन्शियस मतलब कि आत्माभिमानी बनाने का तिलक लगा सकते हैं, जिससे कि हम अनेक प्रकार की विधियों से हम अपने जीवन में हर प्रकार से विजय पा सकते हैं। तो देखें परमात्मा कहते क्या है इस वरदान में। शीर्षक में परमात्मा कहते हैं वरदान में, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। स्व के ऊपर राज्य कर लिया तो विश्व का राज्य आपको मिल जाएगा, परमात्मा का कहना है। देखें विस्तार से, रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। जब अमृत वेला है जो कि 4 बजे से दिखाया तो 2 बजे से शुरू होता है, लेकिन ब्रह्म कुमारी इसमें ज्यादातर लोग 4 बजे से 4:45 मतलब कि 4:45 या 5 बजे तक उठ करके बैठ करके परमात्मा को याद करते हैं, अपने आप को आत्मा समझ करके। तो उस समय को कहते हैं अमृत वेला का समय, जिसमें हम सोल कॉन्शियस होते हैं, हम पवित्र संकल्प करते हैं, शक्तिशाली संकल्प करते हैं, ताकि हम पूरे दिन भर में जो भी हम करना चाहें उसमें हम सक्सेसफुल हों, और वो भी कैसे, दिव्यता को अपना करके, विकारों को अपना करके नहीं। तो भक्ति की निशानी तिलक है। जब भी हम भक्ति के लिए जाते हैं, जैसे कि हम किसी मंदिर में गए तो वहाँ पर क्या होता है, जो पंडित जी होते हैं वो तिलक लगा देते हैं। तिलक इसलिए लगाया जाता है, शायद से बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, जो तिलक लगाते हैं वो भी नहीं जानते और तिलक लगवाने वाले भी नहीं जानते होंगे कि तिलक लगाने का अर्थ ही है कि आपका मन टिका रहे, कि आप अपने आप को आत्मा समझ करके हर कार्य करें। तो तिलक माना कि अपने आप को आत्मा समझो और तब जाके कि आप परमात्मा को याद करो। तो भक्ति की निशानी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है। किसी की शादी होती है तो दोनों आपस में उनके क्या होते हैं, तिलक लगाए जाते हैं कि आप एक दूसरे को आत्मा समझ करके अपने जीवन में एक साथ रहें। इसका मतलब है कि सोल कॉन्शियस हो जाएं, आत्मा अभिमानी हो जाएं। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। किसी का कॉरोनेशन होता है, किसी को राजगद्दी मिलती है, तो उस समय उसको भी तिलक लगाया जाता है माथे पर कि आप, तिलक तो आपको मिल गया है लेकिन अब आपको आत्मा समझ करके, हर किसी के अंदर गुण देख करके, भेदभाव करे बिना, केवल गुण देख करके भेदभाव करे बिना, ना रिश्तों का भेदभाव हो ना धर्म का भेदभाव हो, आपको राज्य करना है सारे राजधानी पर। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के पहले तिलक देते हैं, है ना। घर में देखा जाता है कि माता जो होती हैं वो जाती है मंदिर में, बच्चे एक मिनट रुको मैं आपके ऊपर तिलक लगा के जाती है, तिलक लगा के जाओ मंदिर में, तो क्या करती है, थाल लेके आती है और बेटे पे या बेटी पे तिलक लगा देती है कि तुम जा करके विजय रत्न बनो। तो वो कह रही क्या है कि अपने आप को सोल समझ करके, आत्मा समझ करके जो भी निर्णय निकले आप सदा खुश रहना, आप सदा सुखी रहना, चाहे वो निर्णय आपके पक्ष में हो चाहे निर्णय आपके पक्ष में ना हो, लेकिन सोल कॉन्शियस होकर के जाना, क्योंकि सुखी और संतुष्ट आत्मा ही सक्सेसफुल आत्मा है या विजय रत्न आत्मा है। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, तो परमात्मा ने भी हमारे ऊपर तिलक लगाया ज्ञान देकर कि बच्चे तुम आत्मा हो, इसलिए अविनाशी तिलक है, ये कभी विनाश हो नहीं सकता। चाहे हम जितना भी मिटाने की कोशिश करें कि मैं आत्मा नहीं हूँ, बोलेंगे सोचे भी तो, लेकिन वो तिलक क्या रहता है, हमेशा लग जाता है। जिसको मिटाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी तिलक आ जाता है कि अपने आप को आत्मा समझो। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। भविष्य मतलब परमात्मा सत्ययुग स्वर्ग की बात करें इसी धरती पर। तो अगर अपने ऊपर राज्य कर लिया, मन बुद्धि संस्कार हमारी दिव्यता के अनुसार चले, पवित्रता के अनुसार चले, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारी दिव्यता के अनुसार, ये तिलक के अनुसार मैं तुम्हें सत्युग में प्रवेश करने दूंगा। क्योंकि वो गेट्स किसके हाथ में है, वो गेट्स खोलने बंद करने परमात्मा के हाथ में है। और जब तक हम सोल कॉन्शियस ना हो, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, चाहे अपने आपको हिंदू कहें, मुस्लिम कहें, क्रिश्चियन कहें, लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियस हैं तो हम उस सत्युग में प्रवेश कर सकते हैं। तो परमात्मा का ये ज्ञान है, परमात्मा तो किसी के साथ में भेदभाव कर सकते नहीं है, वो किसी के साथ में वैर नहीं कर सकते, इसलिए जो आत्माएं अपने आप को आत्माभिमानी मानती हैं या समझ करके चलती हैं और कर्म करती हैं, उनके लिए स्वर्ग के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। तो ये कैसे है, कैसे पॉसिबल है, ये कौन सा ज्ञान है आत्माभिमानी होने का, इसको आप 7 डेज के कोर्स में आप सीख सकते हैं जा करके। इसके साथ ओम शांति।